हेलो दोस्तों, मैं शुभम राजीव क्लासेस गाज़ियाबाद यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री यानी कि इतिहास के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। इतिहास के विषय में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास क्या है और किस तरीके से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, तो उन पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। होता क्या है कि बेसिकली पहले तो ये समझते हैं कि इतिहास होता है क्या, एक्चुअल में इतिहास कहते किसको। तो इतिहास का मतलब पूर्व, पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं, यानी पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं या जो जो घटनाएं बीत चुकी हैं, बीते हुआ समय जो है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, इतिहास में करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है जी, वो हमारा क्या रहेगा कि इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, ये हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे कहे जाते हैं हेरोडोटस। ध्यान रखिएगा, एक हेरोडोटस होता है और एक हमारा हिकेटियस होता है। जो हिकेटियस हैं वो हमारे ज्योग्राफी के लिए जाने जाते हैं और हेरोडोटस हमारे हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, ठीक है जी। अब पहले तो ये समझते हैं, हिस्ट्री हमारी कोई एक पर्टिकुलर उसमें नहीं बटी हुई। हिस्ट्री जो हमारे एग्जाम में आती है वो बेसिकली हमारी तीन पार्ट्स में बटी है। हिस्ट्री जो है हमारी वो तीन पार्ट्स में बटी हुई है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो है हमारा प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है वो आता है हमारा मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा जो है और वो आता है हमारा क्या, आधुनिक इतिहास। ये तीन टाइप्स की हमारी हिस्ट्री होती है, ठीक है जी। इसको हम लोग और अगर अच्छे से समझे तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बांटा हुआ है, और टाइम पीरियड सब में क्या है, अलग अलग है। कोई एक टाइम पीरियड अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये तीनों पार्ट्स हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बांटे हुए हैं, और हर किताब में, हर अधिकतर किताबों में डेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसका जो निचोड़ होता है वो अगर हम समझें तो, अगर हमें बांटना है प्राचीन इतिहास को, तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको हम इस तरीके से बांट सकते हैं कि प्राचीन इतिहास हमारा, ये हमारा माना जाएगा मानव के जन्म से 1206 तक का जो समय है उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, प्राचीन इतिहास में वो हमारा आएगा। और अगर मध्यकालीन की बात करेंगे तो मध्यकालीन जो आता है हमारा वो आ जाता है हमारा 1206 से लेके 1707 तक का जो समय है उसको हम मध्यकालीन में बांट सकते हैं बच्चों। और लास्ट हमारा जो हमारा बचता है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री की बात जब हम करते हैं तो मॉडर्न इतिहास को हम बांट सकते हैं हमारे 1707 से लेके 1947, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अब तक, अब तक। तो ये जो पीरियड है ये हमारा बेसिकली होते हैं इतिहास की। तो इसको ध्यान रखेंगे, प्राचीन इतिहास हमारा मानव के जन्म से लेके 1206 तक हो गया, मध्यकालीन इतिहास हमारा 1206 से लेके 1707 तक माना जाएगा, और आधुनिक इतिहास हमारा 1707 से लेके 1947 या अब तक। अब इसमें मध्यकालीन पे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। मध्यकालीन को मैं आगे भी इस टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। दो पार्ट्स पे कैसे, इसको मैं एक बोल सकता हूँ दिल्ली सल्तनत, और इसमें एक हमारा होता है मुगल वंश,
ठीक है जी। अब इसको भी अगर मैं डेट्स के अकॉर्डिंग बांटूं तो दिल्ली सल्तनत रही थी हमारी ये 1206 से लेके 1526 तक, और ये 1526 से लेके 1707 तक। वैसे 1707 तक मुगल नहीं थे, मुगल हमारे लास्ट 1857 की क्रांति हुई थी तब हमारे लास्ट जो थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन इसको समझते हैं अभी। 1526 तक दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोधी वंश का था, जिसको बहलोल लोधी था, जिसको क्या बोलते हैं संस्थापक था उसका, और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था जिसको बाबर ने हराया था। इसको आगे समझेंगे, फिलहाल ये इसकी हमारी डेट्स हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, 1707 तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला है कि 1857 तक थे मुगल्स जो थे हमारे। अब समझते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन रहा था दिल्ली में। तो इस टाइम पीरियड में 1206 से 1500 इसमें कई सारे वंश रहे थे, डायनेस्टीज़ रही थी दिल्ली में, जिसमें ये थे हमारे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शेयद वंश और लोधी वंश। जो गुलाम वंश था वो हमारा 1206 से लेके 1290 तक था, और 1290 से लेके 1320 तक हमारे खिलजीज थे। तुगलक जो थे वो हमारे 1320 से लेके 1414 तक थे, 1414 ओ सॉरी 1414 से लेके 1451 तक हमारे ये थे शेयद वंश। लोधी हमारे 1451 से लेके हमारे कहाँ तक थे, ये थे हमारे 1526 तक। ध्यान रखिएगा, लोधी वंश जो था इसका हमारा अंतिम शासक, अंतिम शासक था हमारा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसको बाबर ने इसको मारा था 1526 में, कब, जब पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो बाबर ने इसको मारा था। इसको और अभी समझना है, फिलहाल अभी हमें डेट्स पे फोकस करनी है, समझना है किस तरीके से इसको बांटा जाता है। तो जब इब्राहिम लोधी को मारा लास्ट में 1526 में, तो 1526 के बाद हमारा लास्ट इधर बचा बाबर। बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोधी को मार दिया, और उसने फिर यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की। और इसको अगर समझेंगे तो यहाँ पे हमारे होते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये हमारे मुगल वंश के शासक हो। अब अगर हम इनकी डेट्स की बात करें तो 1526 में, 1526 से लेके 1530 तक बाबर था। उस बीच बाबर ने चार लड़ाई लड़ी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा की। उसके बाद हमारा बैठा यहाँ पे हुमायूं। हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक था, फिर ये चला गया था। उस बीच शेरशाह सूरी ने शासन किया, और 1555-56 में ये फिर से आया, और उसके बाद इसकी डेथ हो गई थी, गिर के सीढ़ियों से मर गया था। हुमायूं सबसे दुर्भाग्यशाली शासक रहा था इसमें अगर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में 1530 से 1556 ही लिखा होता है, लेकिन ये सही नहीं है, 1530 से 40 तक था। शेरशाह सूरी ने इसको कन्नौज और चौसा बेलग्राम का युद्ध हराया था, ठीक है, दो युद्ध इसने उससे हारा, फिर चला गया था। 55 में ये 56 में फिर से वापस आया था, और इसने फिर से उसके हराया था। उसके बाद दोबारा से गद्दी पे बैठा था, ये उसके बेटों को हराया था, और फिर मर गया था ये दीनपना नगर की सीढ़ियों से गिर के। उसके बारे में आगे हम और डिटेल में समझेंगे। फिर अकबर बैठता है इसके बाद 1556
1555 से लेके 1605 का शासन यहाँ पे अकबर का रहा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा कि इतिहास में दो ही ऐसे हमारे शासक हुए हैं जिनके नाम के पास हम महान लगाते हैं, एक अकबर महान और एक अशोक महान। दोनों ने ही बहुत लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, ना बहुत ज़्यादा युद्ध जीते थे, लेकिन दोनों अपनी उदारता और अपने कार्यों के कारण ये हमारे फेमस हुए थे। तो और जहांगीर की बात करें तो 1605 से लेके 1627 तक इसका शासन था, जहांगीर का शासन। उसके न्याय की जंजीर के लिए बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है जी, शाहजहाँ की बात करें तो 1627 से लेके 1658 तक शाहजहाँ थे, 1658 तक। और लास्ट हमारे 1658 से लेके 1707 तक हमारे औरंगजेब थे। तो ये हमारी इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ठीक है जी, इसको अच्छे से समझना है। अब हमें ये समझना है पेपर में जो क्वेश्चन, अभी तो खाली डेट्स के विषय में चर्चा कर रहे हैं और इनके अंदर जो डिटेल्स हैं उसको भी समझेंगे अच्छे से। इसके बाद चीज़ें आती हैं, इसके संस्थापक के नाम पूछे जाते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने की। कि अगर डेट्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे लंबा तुगलक वंश था हमारा, ये सबसे लंबा रहा है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इनके संस्थापक, इसको हम लोग समझते हैं, ये संस्थापक के नाम है। जैसे अगर गुलाम वंश के बारे में पूछा जाएगा तो गुलाम वंश के हमारे संस्थापक कौन हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, और खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के हमारे खिज खां, और लोधी वंश के होते हैं हमारे बहलोल लोधी। अंतिम शासक लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था, 1526 में बाबर ने उसको मार के भगा दिया था। अब इसको नाम याद रखने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछ लेता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। जिसे नहीं पता होता, अधिकतर लोग मोहम्मद बिन तुगलक लगा देते हैं, लेकिन गलत होता है। इसको हम इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या बताया है कि गुल खिले तो सांस लो, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो उसे तुगलक, सांस से सैयद, और लो से लोधी वंश हमारा, कुत्ता से कुतुबुद्दीन, जल से जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन, खिजाब, खिज से हमारा सैयद खिज खां, और बह से बहलोल लोधी, लोधी वंश का। यानी गुलाम वंश के थे कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के थे जलालुद्दीन, तुगलक वंश के थे गयासुद्दीन, सैयद वंश के थे खिज से खिज खां, और लोधी वंश के थे हमारे कौन, ब से बहलोल लोधी। तो गुल खिले तो सांस लो और कुत्ता जल गया खिजाब से, इससे हम इस ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं और इसको याद रखना आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये हमने स्टार्टिंग में, मैंने आपको ये बताया था, इसको आपको समझना है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे, अगर वो पूछ ले फादर ऑफ आधुनिक इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं, आधुनिक इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये कहे जाते हैं हमारे बिशोप विलियम, बिशोप विलियम हमारे आधुनिक इतिहास के पिता कहे जाते हैं, ये ध्यान रखने का। और एक चीज़ और आती है पेपर में जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो क्या पेपर में पूछा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाए जाते हैं हमारे राजा राम, राजा राम मोहन